उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ौफ़िशा नकवी। सर्दियों का मौसम है, यकीनन घर को गर्म रखने के लिए कुछ ना कुछ तदाबीर तो आप सभी करती होंगे। जो ट्रेडिशनल तरीका है वो यही है कि आप घर में हीटर जला लेते हैं और हीटर में ज़रा ये वेरिएशन आ गई कि एक तो गैस वाला हीटर होता है या एक इलेक्ट्रिक हीटर होता है। लेकिन आज मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाली हूँ ये है तो हीटर जैसी ही, काम भी हीटर वाला करती है लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चिमनी स्टाइल के ये जो अप्लाइंसेज हैं, ऐसा लग रहा है कि इनमें आग जल रही है और ऐसा लग रहा है कि इनमें से आग जलने की वजह से हीट बाहर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। दिखने में तो ये चिमनीज़ लग रही हैं और इनमें से हीट भी बाहर आ रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये चलती कैसे हैं और कैसे इनमें से हीट आती है। तो आइए इनके मैनेजर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीना। अलीना, मुझे ये बताएं कि दिख तो चिमनीज़ जैसी रही हैं और इनके अगर मैं हाथ आगे करूं तो मुझे हीट भी आती हुई महसूस हो रही है, क्या वाकई आग जल रही है इसमें? नहीं, एक्चुअली आग नहीं जल रही है, ये जस्ट एक इफ़ेक्ट दिया हुआ है। तो इस इफेक्ट की वजह से लाइक आप इंजॉय भी कर सकते हैं, एज अ डिस्प्ले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में, तो ये एज अ मतलब लाइक हीटर भी यूज़ होता है और एज अ डिस्प्ले भी यूज़ होता है। इसमें बेसिकली हमने फ़ैन हीटिंग सिस्टम लगाया है, यानी कि दो इसके फ़ायदे हैं। अगर आपने इसको लगाया हुआ तो दिखने में आपके घर की डेकोरेशन है ना वो भी बहुत अच्छी आएगी, कि आपका जो व्यू है वो बहुत अच्छा आ रहा है इसमें। और दूसरी चीज़ ये कि साथ साथ आपके घर को गर्म भी करती जाएगी। तो ये दो डिज़ाइन है फिलहाल इसके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस तरह की आग निकलती हुई नज़र आए तो आपने ये लेना है, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा छोटा साइज़ हो और इस तरह का डिज़ाइन हो तो मुझे ये बताइएगा कि ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं ये डिजिटल इफेक्ट आ रहा है इसमें? नहीं, ये डिजिटल इफेक्ट नहीं है, ये 3D इफेक्ट है। अच्छा। जी, और लाइक इसको आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, हमने इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। लाइक इसमें कैसे कस्टमाइज़ करवा सकते हैं? लाइक कलर्स हैं, डायमेंशंस हैं, लाइक ग्लास में बनवा लीजिए, मेटल में बनवा लीजिए, पोर्टेबल बनवा सकते हैं, इंटीरियर चेंज करवा सकते हैं। लाइक बच्चों को डायमंड्स या कलर्स बहुत पसंद होते हैं, तो हमने एक वो भी इफेक्ट दिया हुआ है। अगर बच्चों के रूम में आपने ये हीटर्स लगाने हैं तो उसमें आप थोड़ा सा कार्टूनिक इफेक्ट भी दे सकते हैं, आप कस्टमाइज ही बना। हाँ, एग्जैक्टली। चलो आगे चलते हैं, जो बाकी वैरायटी आप हमें वो भी दिखा दीजिए कि क्या वैरायटी है और किस तरह से। एक ये बड़ा खूबसूरत है, इसका जो डिज़ाइन है ये भी आपने खुद इसके साथ किया? बिल्कुल, ये कंसोल है, लाइक ये पोर्टेबल है। लाइक लोग चाहते हैं कि हम कभी रूम में रख लें, कभी ड्राॅइंग रूम में, कभी लाउंज में, तो ये उनके लिए बहुत ईजी रहता है। बाकी लोग होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में भी ये बहुत प्रेफर करते हैं इसको। अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की तो वाकई दूर से देखने में आपको ऐसा लगता है कि आग जल रही है, पूरी चिमनी है, फायर इफेक्ट है, जैसा कि लीना ने हमें बताया कि 3D इफेक्ट है। लेकिन जो इसके यहाँ पर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, अगर आप इनके आगे हाथ करें, क्योंकि मैं इसके आगे बार बार आके ठहर रही हूँ, तो बहुत ही इधर से गर्म हवा आ रही है और आपको कमरा भी ये गर्म कर देता है। तो आगे चलते हैं, इसके वर्किंग के बारे में भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले एक दफ़ा हम डिज़ाइन देख लें क्योंकि दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो ये जो एक क्रिस्टल्स आपने इसमें रखे हुए हैं, इसका क्या इफेक्ट है? लाइक ये यही है कि अगर किड्स वगैरह हैं आपके घर में तो वो उनको थोड़ी ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, लाइक वुड से ज़्यादा वो इसको प्रेफर करते हैं। तो इसमें थोड़ी कलर्स भी आ रहे हैं, इसको आप थोड़ा और ज़्यादा हाईलाइट भी कर सकते हैं, थोड़ा डिम भी कर सकते हैं। तो लाइक ये थोड़ा डायमंड इफेक्ट दिया हुआ है हमें। तो ये भी मैं आपको दिखाऊँ, तो ये भी बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर एक हीटर है, फायर प्लेस है, और इसमें मेरे कैमरा मैन अगर आप करीब से दिखाएं तो यहाँ पर क्रिस्टल्स यूज़ किए गए हैं और क्रिस्टल्स के थ्रू यहाँ पर ये फायर इफेक्ट दिया गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत सा आ रहा है। अच्छा, अब मुझे ज़रा इसकी वर्किंग के बारे में बताइएगा कि ये काम कैसे करता है? इसमें बिजली से काम करता है या हीटर से, सॉरी गैस से काम करता है? नहीं, ये इलेक्ट्रिक बेस्ड हीटर्स हैं, और लाइक अगर आप इसका हीटर ऑफ रखते हैं तो ये 50 वॉट्स पे चलता है। अदरवाइज इसमें हमने दो ऑप्शंस दिए हैं, एक 750 वॉट्स पे है और एक 1500 वॉट्स पे है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि लाइक आपका रूम कितना बड़ा है या विंटर्स कितनी ज़्यादा है, तो आप उसके हिसाब से अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर कैसे एडजस्ट करना है, इसके अंदर ही कोई चीज़ है या इसका रिमोट है कोई? एग्जैक्टली, ये रिमोट कंट्रोल से आप इसको कर सकते हैं। जी, मतलब अब आपको उठ के जाने के लिए, जिस तरह आप हीटर के टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए उठते थे कि उठ के जाएं, इसको बंद करें या कुछ भी करें, तो अब आप इसको अपने बेड पर बैठे हुए या सोफे पर बैठे हुए आराम से रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये गैस में भी अवेलेबल है या इलेक्ट्रिक रहेगा? कस्टमाइज़ करवा देते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग बोलते हैं कि गैस में हमें चाहिए, दोनों ऑप्शन चाहिए, तो हम करवा देते हैं, अदरवाइज़ हमने इलेक्ट्रिक में रखे हुए हीटर्स। तो इसके अलावा अभी आपने जैसे बताया कि अगर हम इसको टेम्परेचर ऑन करें तो हमारे पास दूसरा इफेक्ट है, एक हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अगर इसका हीटर ऑन ना करें और ये इफेक्ट हमें मिलता रहे, 50 वॉट्स पे चलता रहता है, लाइक इतनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता है, तो आप ये कि जस्ट इफेक्ट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब इन्जॉय कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा विंटर्स नहीं है, आपने जस्ट इफेक्ट्स लेने हैं, क्योंकि वो भी आपकी मेंटल को मेंटली बहुत सेटिस्फाई करता है आपको। आगे देखते हैं कि इसमें आपको दो और डिज़ाइंस मिलते हैं, जैसे ये थोड़ा छोटा है और इस पर भी जो लकड़ी लगी हुई है वो बहुत ही खूबसूरत सी है, और इसमें जो उन्होंने इफेक्ट दिया हुआ है ये भी बिल्कुल चिमनी का इफेक्ट आ रहा है, लेकिन इसका साइज़ ज़रा छोटा है बाकियों की नस्बत। लेकिन यहाँ जो नीचे वाला देखते हैं, इससे जो बिल्कुल नीचे एक और लगा हुआ है
उसका साइज़ बड़ा है, और अगर इसके रूम पे डिपेंड करते हैं, अगर आपका रूम बड़ा है तो उसके लिए आप इसको इस साइज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका रूम भी बड़ा होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसकी वर्किंग क्या होती है, अंदर ही अंदर इसमें आप जो गर्म हवा है वो प्रोड्यूस की जाती है, कोई सिस्टम इसके अंदर लगा? हाँ एग्जैक्टली, इसका इनपुट और आउटपुट लाइक आप जो पैनल नीचे देख रहे हैं यही इसका पूरा कम्प्लीट सिस्टम है। ऐसे नहीं है कि इसका आउटर बैक साइड पर हो, जो भी है इसका यहीं पर सब कुछ हमने फ्रंट पे ही सिस्टम दिया हुआ है। मतलब ये बहुत इजी है कैरी करने में भी और लगाने में भी। इसके लिए जस्ट आपको 5 inches की डेप्थ चाहिए होती है अपनी वॉल में, तो आप इसको लगा के देते हो। अच्छा, अब ज़रा ना आ जाते हैं इसकी प्राइस की तरफ, तो मुझे बताइएगा कि इनकी प्राइस क्या है? इनकी प्राइस एक्चुअली वैसे बहुत हाई होती हैं, बट एग्जीबिशन की वजह से हमने इनको प्रमोशन में रखा हुआ है तो बहुत मुनासिब रखे हुए हैं प्राइस। बाकी अनब्रेकेबल ग्लास होता है, टेम्पर्ड ग्लास है, हाँ ये टूट नहीं सकता, बच्चों के लिए भी हार्मफुल नहीं है कि बच्चे भी ईजिली इसके पास खेलें या कुछ भी करें। तो लाइक हम लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हैं सबके। इस वाले की प्राइस बताइएगा जो क्रिस्टल वाला है ना, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत सा है और ज़रा डिफरेंट भी है, इसकी प्राइस की? ये 22,500 का, 22,500। जी 22,500 का हीटर है, लेकिन एक दफ़ा लेकर आपको सारी ज़िंदगी पछताना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही है। जो एक कंसर्न होता है सेफ्टी कंसर्न्स, वो भी आप लोगों के सलामत रहेंगे इसके साथ साथ, कि आपकी कोई भी सेफ्टी कंसर्न है या कोई भी थिंकिंग है तो आप ये कर सकते हैं। और दूसरा जो ये नीचे बड़े वाला, इसकी क्या प्राइस है? ये 40,000 का। 40,000 का। और जब हम पीछे जो दो देख कर आए हैं जी, तो पहले तो हमने आपको दो दिखा दिए कि उनके प्राइस क्या है, क्रिस्टल वाले की बता दी जो साइज़ में ज़रा बड़ा था उसकी प्राइसेस बता दी, इन दोनों की प्राइसेस बताइएगा कि इनकी क्या प्राइस? की भी 22,500 हैं और इसकी 25,000 हैं। ये दोनों मेटल में बने हुए, ये मेटल प्लस ग्लास में है, वो कम्प्लीट मेटल में है। ठीक है, तो ये भी हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं कि हमने मेटल में रखना है या ग्लास में रखना है? जी जी बिल्कुल, इसको भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, इसमें कलर्स भी चेंज करवा सकते हैं। यानी कि जो अभी येलो फायर का इफेक्ट आ रहा है तो इस पर कोई और इफेक्ट बदलाया जा सकता है? नहीं, फायर इफेक्ट नहीं, लाइक जो मेटल का कलर है वो चेंज करवा सकते हैं, लाइक ये ब्लैक है, इसमें गोल्ड हो सकता है और सिल्वर हो सकता है, तीन ऑप्शंस दिए हैं। थैंक यू सो मच रीना। तो जी नाज़रीन, हमने आपको आज बहुत ही खूबसूरत से ये अप्लायंस दिखाए, घर के डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, घर को गर्म रखने के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे कि सर्दियों का मौसम है और अक्सर औकात हीटर की वजह से हमें गैस का जो हीटर होता है उसकी वजह से काफ़ी मसाइल भी हमें देखने को मिलते हैं। तो उसका जो एक बहुत ही अच्छा हल निकाला है, ना सिर्फ ये इलेक्ट्रिक हीटर है बल्कि जो ये फायर प्लेसेज हैं इनमें से आपको गर्म हवा भी मिलती है, आपका कमरा भी गर्म रहता है और डेकोरेशन का भी बहुत खूबसूरत सा इफेक्ट आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अप्लायंस बहुत पसंद आया होगा, इसके साथ साथ मुझे भी बहुत पसंद आया है। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।